ये कहानी मैं एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में था तब मैं एक पिज़्ज़ा डिलीवरी शॉप पे काम किया करता था। एक दिन मुझे एक पिज़्ज़ा डिलीवर करना था और जिस लोकेशन पे मुझे उस पिज़्ज़ा को देना था वो शहर के काफ़ी बाहर था, या फिर मैं कह सकता हूँ एक सुनसान इलाके में था। बट थैंक्स टू द GPS मैंने उस लोकेशन को अपने फ़ोन में फिक्स कर दिया और अपने बॉस की कार की मदद से उधर जाने लगा। लेकिन तभी मैंने एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ नोटिस की। मैंने देखा कि पूरे रास्ते में मैंने एक भी घर को नोटिस नहीं किया। वहाँ पे जस्ट पेड़ पौधे या फिर मैं कह सकता हूँ जंगल था। बट स्टिल मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया एंड फिर मैं उस लोकेशन पे जाके पहुँच गया। मैंने देखा कि वहाँ पे एक छोटा सा घर था जिसके आसपास पूरे घास ही थे और उधर एक पेड़ भी था जिस पे एक झूला भी लटका हुआ था। मैं अपनी कार से उतरना चाहता था लेकिन एक बार मैंने एड्रेस टैली किया, हाँ वो वही एड्रेस था, सो मैं इसलिए कार से उतरा। और तब मैंने देखा कि वहाँ पे घास की बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं की हुई है। वो घास लिटरली मेरे घुटनों को छू रही थी। बट स्टिल मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया और मैं उस घर के गेट के पास आके खड़ा हो गया। मैंने उस गेट को नॉक किया बट किसी ने भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। पहले तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया लेकिन तभी मैंने किसी के फुटस्टेप सुने जो कि उस गेट के पास में आ रहे थे। और तभी मुझे ऐसा फील होने लगा जैसे कि कोई तो मुझे देख रहा हो। और तभी मेरा ध्यान पीक होल पे गया और मैंने उधर किसी की आंख देखी, यानी कि कोई तो उधर से मुझे देख रहा था। मैंने उसको बोला मैं पिज़्ज़ा गाय हूँ, प्लीज़ गेट खोलो, लेकिन उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तभी उसने मुझसे कहा कि मैं पिज़्ज़ा को बैक डोर से डिलीवर करूँ। अब ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज था क्योंकि पहली बार कोई कस्टमर मुझसे ऐसी डिमांड कर रहा था। मैंने पहले तो सोचा कि क्यों ना मैं वापस चले जाऊं, लेकिन मैंने उससे एक बार पूछा कि क्या आप श्योर हैं, बट उसने मेरे क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया और कुछ भी नहीं कहा। उस समय मैं उधर ही पहले तो खड़ा रहा। मैं उस समय सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि वो घर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उधर से मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि मैं वापस चले जाऊं, बट फिर मुझे याद आया कि पिछली बार जब मैं पिज़्ज़ा लौटा के गया था तब मेरे बॉस ने मुझे बहुत ही ज़्यादा डांटा था। सो इसलिए मेरे पे कोई और चारा नहीं था, मैं उस घर के पीछे जाने लगा। एंड देन मैंने देखा कि बैक डोर खुला हुआ था, सो आई गेस्ड कि उसी आदमी ने उस दरवाज़े को खोला होगा। मैं उसके अंदर चला गया और तब मैंने देखा वहाँ पे एक डाइनिंग टेबल रखा हुआ था जिस पे चार चेयर्स भी थी और उधर एक आदमी भी बैठा था जो कि मेरे अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा था। मैं उधर जाने लगा अपना पिज़्ज़ा लेके और मैंने उससे कहा कि ये पिज़्ज़ा मैं कहाँ पे रखूँ। पहले तो उस आदमी ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया और तभी उसने कहा कि मैं इस पिज़्ज़ा को टेबल पर रख दूँ। लेकिन तभी मुझे किसी की तो आवाज़ आई मेरे पीछे से। मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई तो मुझे बुला रहा हो। मैंने पीछे मुड़ के देखा और तब मैंने देखा वहाँ पे एक आदमी जिसके सर से खून बह के उसके पूरे चेहरे को कवर कर रहा था और उसने मुझसे कहा, हे बड़ी क्या तुम मेरे पीछे आओगे, मैं तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखाऊंगा। ये सुनते ही मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। मैं लिटरली वहाँ से बहुत ही ज़ोर से भागा और जल्दी से अपनी कार में बैठा। मैंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि मेरा बॉस मुझसे क्या कहेगा। मैं जस्ट वहाँ पे बैठा और अपनी कार को भगा के जल्दी से वहाँ से भागा। मैं और किसी भी ट्रबल में नहीं फंसना चाहता था और मैं उस समय बहुत ही ज़्यादा डरा भी हुआ था। मैंने जल्दी से पुलिस को फ़ोन कर दिया। अगले दिन पुलिस ने मुझे फ़ोन किया एंड देन मुझे बताया कि वो घर तो पिछले 6 सालों से अबेंडेंड है। ये सुनते ही मैंने उस जॉब को लिटरली छोड़ दिया क्योंकि मैं पैरानॉइड होकर कोई जॉब नहीं करना चाहता था। इस घटना को अभी काफ़ी दिन हो गए हैं लेकिन आज भी मैं ये सोचता हूँ कि आखिर उस डाइनिंग टेबल पर कौन बैठा था, या फिर अगर मैं उस आदमी के पीछे चले जाता तो मेरे साथ क्या होता। सो यार, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना क्योंकि इस एनिमेशन को बनाने में मुझे बहुत ही सारा टाइम और मेहनत लगी है यार, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी एनिमेटेड स्टोरीज़ को देखने के लिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ पड़ी है एंड आने भी वाली है,
तो सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को हो सके तो अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर कर देना, उससे मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो इसलिए अब मैं तुमसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।